मौसम? ये आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बाल ऐसे खुश्क हुए हैं आपके, और तेल भी नहीं लगा रही मेरे ख्याल आप काफी दिन हो गए। नहीं तेल लगाया है, लेकिन खुद से आपको पता जैसा लगाते हैं ना, कोई लगाए तो फिर आपको पता ज़्यादा सही है। नहीं तेल लगाती रहा करो ना अपने बालों में, तो वो फिर ऐसा है कि कुछ भी नहीं होती। लंबे हुए हैं, कुछ बेहतर है आपके बाल, लेकिन ये कि ये पकड़े क्या चल ना, मुझे पकड़ा था। सफेद बाल क्यों हो गए? पता नहीं क्यों आ गए, अब आगे तो बहुत ज्यादा आ गए। ये मुझे पता क्या लग रहा है, जो एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसकी वजह से आगे से ब्लड ज्यादा नहीं, ब्लड वेस्ट हो जाने से जो ना बालों पे बहुत असर पड़ा है आपके। हाँ जी, 7 स्टिचेस लगे थे यहाँ से। अच्छा तो ये बड़ा ज्यादा ना, उससे डैंड्रफ भी हो रही है आपके क्या? बालों का हाल किया हुआ है? डैंड्रफ तो शायद इस वजह से हो रही है क्योंकि गर्म पानी अब यूज करना शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं खा रही, लेकिन ये है कि शैम्पू जो है ना वो चेंज भी हो रहे हैं। एक नहीं है, दो दो चल रहे हैं। नहीं एक शैम्पू रखो भाई, एक शैम्पू से ये होगा ना कि उसका रिजल्ट हमारे सामने सही आएगा। नहीं वो ये हो जाता है ना कि दो पड़े हो ना, मेरे हाथ जो लगेगा तो मैं वो कर लूँगा। हाँ इस तरह से शैम्पू जो है ना एक ही यूज करें, उससे ये बालों पे जो है ना आपके अच्छा सर रहेगा और उसका रिजल्ट सामने आएगा, बैड है या गुड है। सही कह रही हूँ। आप अपनी बेटी की देखती होती थी? हाँ क्या तो हो रहा आ गया, पहले वक्त होता था कि वो फेरी वाले लगाते थे तो वाले आ गए, अब स्कूटर पे बकायदा आग लगा। अब तो उनके पास तो रिकॉर्डर है। हाँ नहीं बाइक पे होती है अब तो, वही तो ये बाइक पे ही था। हाँ साइकिल होती थी पहले, अब तो बाइक पे आने लगे हैं। पहले तो वो आपको पता है रेडी सी पे नहीं होती थी, रेडी पे भी आते होते थे। सही है, अब वो जमाना तरक्की कर गया ना। और बार बार बोलने से आवाज लगाने से उन्होंने जनाब वो कर दिया है, क्या उसका नाम है, रिकॉर्डर लगा दिया है, रिकॉर्डिंग कर, बोलना ना पड़े। इतने तो हम सारे सोल पसंद हो गए। वैसे भी जब ये ऐसे बोलते हैं ना माइक में तो वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई पेशेंट है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुछ है। अच्छा सब आपके जो बालों का प्रॉब्लम है ना, ये बाल आपके वाइट हो रहे हैं, इनको ना आप ठीक करें, ये बाल वाइट नहीं होने चाहिए। अभी तो आपकी एज भी नहीं है, बच्चे छोटे हैं। अब ये हो रहा है, आपको पता फिर गलियां बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा डैंड्रफ भी ना जब चले तो ऐसे लगता है जैसे जुएं चल रही हैं। ऐसे इससे बहुत खारिश होती है। लाइसेंस तो आपके इतनी नहीं है सर में, लेकिन डैंड्रफ है और बाल जो है ना वाइट हो रहे हैं आपके। बस पीछे देखें, पीछे भी हैं वाइट के, पीछे का आगे ज्यादा है, पीछे भी हैं, सेंटर में भी हैं, आगे मुझे जो भी देखता है ना वो कहते हैं आगे बहुत ज्यादा आ गए। फ्रंट पे नहीं होने, कहीं भी नहीं होने चाहिए। बोल तो आपने मैंने देखे कि यूं कि 40-40 के करीब और बाल काले हैं अभी तक। सही से भी ज्यादा मेरी वो हेल्पर है ना जो मेरे कपड़े वॉश करती है। अच्छा वो कहती है मुझे जुए देखने का इतना शौक है कि बाजी मैं किसी की जुए देखती हूँ ना। अच्छा उसके सर में से पकड़ के ना अपने सर में डाल लेती हूँ ताकि इजाफा ज्यादा हो। अच्छा अपने सर में बढ़ा लेती है। अच्छा नहीं मैं अपनी बेटी के सर में डाल दूंगी। अच्छा ताकि इजाफा ज्यादा हो, देखने का ना मजा आए। बाज लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन चीजों में। मैं थी जब मेरा, मैं 4 साल कह रही हूँ, 7th में थी, 4th या 4th में थी सॉरी, तब से मैं देखना शुरू किया हुआ। अच्छा शौक है, मुझे बड़ा शौक है। अच्छा तो आई साइड का थोड़ा हो गया, लेकिन ये है कि मेरी नजदीकी माशाल्लाह बिल्कुल सही है, मुझे नजदीक का सही नजर आता है, दूर की जरा वीक है। अच्छा
जायना की जो भी होती है ना, तो जायना की तो मैं खुद ही देखती हूं। अच्छा, पता स्कूल में बच्चे डलवाते हैं। हाँ। नहीं, स्कूल के बच्चों में रहती है जुड़ी, जब तक वो स्टूडेंट रहती है ना, बच्चे बॉयज तक के हो जाती है। सही कह रही है, बॉयज के भी हो जाती है, मेरे बेटे की हो जाती है। इनके ना, मेरे हस्बैंड के बहन भाई फोत हो गए, तो ये पिछले साल की सर्दियों की बात है, दिसंबर की। तो सर बिल्कुल, हम सबके ना सर्दियों में, आपको पता, वैसे भी जुए नहीं पड़ती। हाँ, गर्मी में ज्यादा हो जाती है, पसीना आ जाने से हो जाती है। सही है। और जब ना थे कुल का, उन्होंने ना 2-3 दिन का वक्फा डाला। अच्छा, उधर अस्पारा पड़ रहे हैं तो जुहे ना ऐसे खारिश करी जाए। मैंने कहा डैंड्रफ से, मैं अम्मी के घर से ना इनको नहला के गर्म पानी से दी, मैंने कहा डैंड्रफ से हो रही है। मेरे देखते देखते ना जोर बार बार खारिश करी जाए बार बार। मैं इतनी जाहिर सी बात है, माँ शर्मिंदा होती है कि बिल्कुल बच्चा क्यों खारिश कर रहा है। कहेंगे मैं ना, क्योंकि वहां पे बच्चे इकट्ठे हुए थे, किसी लड़की के साथ में से इसको चली गई है या किसी बच्चे के, मुझे नहीं समझ आई। मैंने साथ वालों, मेरी दो नंदे ना इकट्ठी, एक साथ साथ घर, मैं दूसरी नंद के घर गई। मैंने कहा भाभी, उनकी बहू का, मैंने कहा भाभी ब्रीकंगी वगैरह है? कहती है नहीं, मेरे पास सुनी है। मैं उधर ही मंगवा के फेरी, यकीन माने साफ सर में से इतनी तारीख तक नहीं। हाँ, वो जम जाती है ना स्किन के साथ, बिल्कुल जम। क्या वो किसी ने मेरे हाल में जाते ही वो गंद जूं शुरू कर, वो पूरा सर मेरे बेटे का ऐसे भरी है, और उसके साथ ही वो लिखी हो जाती है बारीक धक्कों के साथ। ऐसे ही है, देखते देखते मैं कह रही हूँ, अभी कल फोतगी हुई है, इसका सर साफ मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसको नाई कराई है, वो कंघी फेरी है। नहीं, ये बड़ी जल्दी से ग्रोथ करती है बालों में जाकर, और ये अगर ये एक जूं भी चली जाए ना, तो समझे सर में रश हो जाता है एक जूं का, तो वो इसलिए ना इनको तो जल्दी ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि खून चूसती हैं और दिमाग, खासकर स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर कर देती हैं। सही है। तो ये लाइसेंस तो होनी नहीं चाहिए। बच्चे खारिश करते हैं, शर्मिंदगी माँ को होती है। सही कह रहे हैं। और बाज़ औक़ात माओ से बच्चों के सर में आ जाती है। बिल्कुल सही है, माओ के पास टाइम नहीं। हाँ, माओ के सर में होंगी, मदर्स के सर में होंगी जो हैं, तो वो बच्चों के आएंगी ना। सही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो हाथ नहीं धोते हैं, वो गंदगी की वजह से जब वो बालों में खारिश करते हैं, वो बालों में जुएं, उससे भी होती है। दूसरे नंबर पे आप सर में डस्ट जो चली जाती है ना, मैंने रीजन इसके डिफरेंट पढ़े हैं, ऐसे ही डस्ट की वजह से भी, ये जाहिर सी बात है, सर में जब गंद इकट्ठा होना है तो आपके सर में आगे गंदगी से क्या बनना है? ये होती गंदगी से है, चाहे किसी तरह भी हो। सही है। गर्मी में पसीना आ जाने से भी हो जाती है। मुझे होती है पसीना, है ना, मैं किचन में काम करती हूं, कईयों का आता चेहरे पे या बॉडी पे आता है, मुझे सर में बड़ा आता है। ये अच्छी बात है, फेस पे नहीं आना चाहिए। नहीं, फेस पे भी आता है, लेकिन बहुत कम आता है। सर में तो ऐसे होता है मेरे जैसे भरा होगा। ये देखे ना, डैंड्रफ कितनी हो रही है आपके बालों में, और डैंड्रफ में अगर ये लाइसिस आ जाए, जुएं आ जाए ना, हाँ जी, तो वो फिर जुओं का ना पता नहीं चलता, डैंड्रफ और जुएं जो डबल खारिज कर देती हैं सर में। सही है। और ये डैंड्रफ से ऐसी खारिश होती है जैसे जुएं चलती हैं, समटाइम तो ऐसा लगता है, मैं कहा चाहे कोई समझ रहा हो कितनी जुएं आ गई। खारिश करते हुए शर्मिंदगी तो होती है ना, चाहे वो डैंड्रफ से हो चाहे वो जुओं से हो। अच्छा, सफेद बालों से भी खारिश होती है? हाँ, ये भी मैंने सुना है। हाँ, होती है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक अपना भी मेरे हो रहा है एक्सपीरियंस, मैं ये समझ रही थी कि मेरे बालों में ना जुएं हो गई। अच्छा, तो वो जुएं तो नहीं थी, खैर, तो वो देखा तो मेरे वाइट बाल काफी हो गए थे। अच्छा, अच्छा। तो वो फिर बताया मुझे किसी ने कि ये सफेद बाल भी बहुत खारिश करते हैं जब इनकी ग्रोथ हो जाए तो। अच्छा अच्छा, बालों में ज्यादा हो जाए ना, और नए बाल भी आए ना, वो जड़ों से आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी मुख्तलिफ मतलब सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से इचिंग होती है सर में। ऐसे ही है। बस जी, ये बात है कि केयर अगर हम लोग करें ना, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे लाइसिस हो, चाहे वो वाइट बाल हो, चाहे वो उसकी सफाई हो, हमें इस चीज की केयर करनी चाहिए। बालों में तेल लगाएं, सफाई सुथराई रखें, फिर वो हम इनको हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू होना चाहिए। सही, और शैम्पू भी वो जो आपके बालों को सूट करे। नहीं ना, ये देखें, ये खारिश, ये देखें यहाँ पे, ये आपके इतनी कर दे, ये देखें, ये इतनी डैंड्रफ हुई हुई है, ये देखें, ये डैंड्रफ, तो ये जो डैंड्रफ है ना, ये जुओं की तरह काटती है। मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके साल में इस तरह की है कि वो जिस तरह वो गढ़ नहीं बने होते, वो जब ऐसे ऐसे करना ना, तो जैसे वो दिखाते हैं टीवी में कमर्शियल में, क्या है, हाँ, वो आटा झड़ता है, जैसे आटा झड़ रहा है ऐसे, इस तरह करके डैंड्रफ बहुत खतरनाक चीज है, बाल गिरा देती है। सही कह रही है। ये देखे ना कितनी डैंड्रफ, ये देखे, ये ऐसे जमी हुई है,
और ये भी एक स्किन की प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा ना, ड्राई हो तो, ड्राई हो तो। नहीं, मैं पहले जब अनमैरिड थी आपको पता, तब तो इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, वो ये होता था कि वो आती होती थी आंटी अम्मी के लिए, तो मैं उनसे ना, अम्मी ने कहना करना इसको लाजमी ना सर में इसको कर दिया करो, इसकी आई साइट का मसला है तो दिमाग, पता माएँ कहती हैं कमज़ोर है तो इसकी सर की मालिश कर दिया। तो यकीन माने मैंने ना, मेरे छोटे होते से मेरे ननियाल वालों ने ना खालाओं ने बाल बड़े लंबे किए थे, मतलब बचपन से जो कटवाते नहीं है ना बाल, वो बड़े लंबे, तो मैं ना फेड अप हो गई थी जब सेवन्थ में हो गई ना, फिर कटवा दिए इन्होंने मेरे बाल, और वो समझे के कमर से मेरे इतने इतने शोल्डर में कर लिए, वो जो ही वो आंटी ने मेरी मालिश करनी शुरू की ना, मेरे बाल फिर कमर तक आ गए उनके हाथ के, केयर हो गई ना उनकी। वो हफ्ते में आके ना एक दफा, और बालों में ऑयल भी वो मुझे इस तरह से लगाती थी जैसे एक एक बाल को लगा नहीं होता जड़ों में, जड़ों में, और मेरी स्किन नजर आना शुरू हो जाती थी, तो वो मैंने दो तीन दफा वॉश करना है तो फिर मेरा वो ऑयल निकलता था, इतना शैम्पू लगता था। लेकिन वही तो जो फायदेमंद है ना, वो दिमाग को भी, आपके जो ब्रेन को है ना, वो एक्टिव रखता है। ऐसा ही, तब तो पढ़ती भी थी ना, स्टूडेंट्स के लिए तो ऑयल बहुत जरूरी है, बच्चे आजकल हमारे लगाते नहीं है, वो शर्माते हैं, वो कहते हैं जी नहीं हमने नहीं, मामा ऑयल नहीं लगाना हमने बालों में, बच्चियां स्पेशली, दोनों ही बच्चियां भी, बच्चे भी, कोई भी नहीं, मेरे तो दोनों ही नहीं लगाते, मैं तो बड़ा खुश हूँ। फिर वो हम तो अपने पेरेंट्स की बात मानते थे ना, आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, नहीं जी ऑयल लगाना ही नहीं है, ऑयल लगाएंगे तो शर्म आएगी हमें, स्मेल आएगी और क्या, और फिर छेड़ते हैं बच्चे को क्लास में भी। जाइना के स्कूल में तो मना किया है एक दो दफा टीचर ने कि ऑयल ना लगा कर, ना लगा कर आए, और बच्चे छेड़ते भी एक दूसरे को, तुमने तेल लगाया हुआ है, और पहले बाकायदा उस्ताद पेरेंट्स को कहा करते थे कि इनके सर में तेल लगाएं और आंखों में सुरमा लगाएं ताकि इनकी नजर भी तेज हो, पढ़ने वाले बच्चे। अब नहीं तो बस ये अब तो लगाया, सोते हुए करते हैं बस ये काम, वो भी सैटरडे को, पेंडू ऐसे करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा सबा जी, आपके बालों में अल्लाह का शुक्र है कि लाइसिस तो नहीं है, जुएं तो नहीं है, डैंड्रफ और वाइट बाल मुझे मिले हैं आपके सर में, तो इनकी भी आपको केयर करनी है, और इनको भी जो है ना आपने ये नहीं होने देना, वाइट बालों को भी और ये डैंड्रफ को भी, लाइसिस तो नहीं है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये भी कम ख़तरनाक चीज़ें नहीं है, दो केयर आगे से वो ज़ाइना के सर में भी है डैंड्रफ। अभी चेक करते हैं, देखते ये सर्दियों के स्टार्ट में ना हो जाती है डैंड्रफ, क्योंकि पसीना नहीं ना आता हमारे बालों में, सही कह रही है, तो इस वजह से डैंड्रफ हो जाता है। गर्म पानी भी एक रीजन है ना, गर्म पानी भी रीजन है। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से ना मसला ये है कि डॉक्टर्स वगैरह जो डर्माटोलॉजिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि आप गर्म पानी से सर ना धोएं, कोशिश करें कि आप वो कर लें नॉर्मल हो। मेरे से नॉर्मल से नहीं धुलता, मुझे सर में बड़ी ठंड लगती है, ठंडा लगता है, नहीं वो दिमाग शायद कमजोर होने की वजह से ना ठंडा लगता है। हाँ, तो मुझे सर के ना इतनी ठंड लगती है, यकीन माने कि गर्मियों में ये होता है कि नहा के ना एसी के आगे जाके बैठो ना, गाड़ी का एसी जो है बड़ा तेज, वो भी इफेक्ट करता है, वो मेरे सर को पड़ता है, मुझे साथ ठंड लगना शुरू। बस जो हमारे ब्रेन में जो भी हमारे बॉडी का सेंसिटिव होगा ना पार्ट, उस पे वो ज्यादा इफेक्टिव होता है सब चीजें। सही कह रही। अच्छा, तेल वेल लगाना है या नहीं, तेल क्या करना? बाद में लगा लेते हैं। आप मेरी अभी कंघी करके ना, नहीं मुझे वो देख कंघी दे ब्रश। बस ये है कि आप अपने बालों में ना ये डैंड्रफ ना होने दें, और ये वो ना होने दें वाइट, इन्हें बालों को वाइट ना होने दें। वाइट बाल के लिए हमारे वो नहीं है इसमें, ये तो कुदरती चीज है, लेकिन कुछ चीजें एज से पहले हो जाती है ना जो, तो वो कुछ ठीक नहीं लगती। मेरे तो पिछले साल से आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, गंदे भी, बल्कि ना वो हैरान हो रही थी बाजी कह रही थी। अच्छा, रेडी जल्दी आ गए। हाँ यही ना, एज हो तो चलो कोई नहीं, अब हम जैसो की एज है ना तो कोई बात नहीं, हमें तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब एज ना हो ना तो फिर भी। तो आप याद है पहले वक्तों में ये मुझे याद है, मेरी नानी कंघी इसकी ना, लकड़ी की कंघी। और मैं आपको बताऊं, लकड़ी की कंघी का ना बहुत फायदा है। अच्छा, हाँ ये हमारी ना एक सुन्नत भी है, हमारी जो दिया हुआ करती थी ना ये बीबियाँ या साहब, ये जो क्या कहते हैं इनको, साहबा कराम की वाइफ्स हमारे नबी पाक की, इनकी लकड़ी की हुआ करती थी कंघी। हाँ जी, तब ये प्लास्टिक वगैरह होते ही नहीं थे ना, प्लास्टिक वगैरह का तो जब था ही नहीं। एक लकड़ी की कंघी सवाब सुन्नत और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे बाल झड़ते नहीं है, बाल गिरते नहीं है। अभी भी ये देखें इतने, हाँ ब्रश में आ जाते हैं, देखें इसमें नहीं आएंगे। हाँ,
क्योंकि वो एक ऑलरेडी चीज़ ऐसी है, वो खुद बालों को तोड़ती है ये चीज़ें, ये बालों को जोड़ती है लकड़ी जो है। ऐसा ही हाँ, इसका बहुत फायदा है। अच्छी तरह मैं छोटी सी होती थी तो नानो ये यूज करती थी ना, हाँ, पहले ब्रीकंगी नहीं लकड़ी की मिलती होती थी, हाँ, हाँ, नानो वाली थी। हाँ, वो मुझे कहीं पे नजर ही नहीं। अब पता वो रवायत बदलती जा रही है, बाजार में लेटेस्ट वो चेंजिंग आ गई ना। अब तो आपने देखा है वो जुओ वाली मशीन आ गई है, वो नहीं मुझे पता, वो रिचार्जेबल है। अच्छा। वो जनाब आप इसी तरह से जिस तरह ब्रीकंगी के छोटे से दंदाने ब्रीक में है ना, वो आप सर में करें तो जितनी जुए होंगी वो सर में से खींच के वो पीछे पाइप सा बना हुआ है। अच्छा, उसके अंदर चली जाएंगी, आप उसको खोलें सारी जुए इकट्ठी हो जाए मारते हैं। वेरी गुड। मैंने कहा ये बस वो आजकल टाइम शॉर्ट होने की वजह से ना चीजें भी फिर ऐसी निकल आई है कि जो जल्दी काम कर सके। सही कह रही है, वो फिर काम जल्दी करती है। ब्रीकंगी भी एक दफा फेर लें। और एक ये प्लास्टिक के ये बालों को तोड़ती है। सही कह रही है। बेटी के ये देखें, ये डैंड्रफ है, सब डैंड्रफ है ये देखें, ये डैंड्रफ जून ही है। ये बेटी के लंबे हैं आपके? बहुत माशाल्लाह। अच्छा, स्ट्रेट स्ट्रेट है। स्ट्रेट तो आपके भी हैं? स्ट्रेट मेरे भी हैं, लेकिन उसके माशाल्लाह लंबे घने, और उसने अब ये कलर किए हैं ना। अच्छा, तो कलर करने से फिर उसके और गोल्डन हो गए बाल। कलर से तो कहते हैं डैमेज बड़े होते हैं, हो जाते हैं, उसका शौक है बस। मैंने अभी तक एक कलर भी नहीं करवाया, अब दिल कर रहा है कि चेंज करवाऊं। उसने गोल्डन ब्राउन किए हुए। अच्छा, ये देखे ना इस कंघी से बाल बहुत टूटते हैं, ये देखे बाल टूट रहे हैं कितने। ठीक है, फोन आ रहा। नहीं, जू तो कोई भी नहीं है। ये देखे कितने बाल टूट रहे हैं। बस इनकी आपकी केयर करें, और वो शैम्पू, ये जो टूटते हैं ना बाल, इससे फिर आगे वो दो मुंह नहीं होते, दो बस वही बीमारी है ना। चले आप ही छुट्टियां करके ना। ठीक है, ये पक बस कर दो ना, मुझे दें कंघा, दें लकड़ी वाला दूंगे तो कोई सा भी दे दें। मुझे तो कोई कंघा, और एक बाल बांधने से भी जो है ना, हाँ, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। बाल खुले रखना भी जो है ना, ये डैमेज हो जाते हैं बालों को, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं। और हमारे बड़े तो कहा करते थे कि बाल ना नजर आए, और खुले तो बिल्कुल भी ना आए नजर। खुले बालों से एक रिजक कम हो जाता है, दूसरा ये है कि बालों को मुख्तलिफ तकालीफ शुरू हो जाती है। मेरी नानू पता क्या कहती है, वो कहती है किचन में जाना हो ना तो बालों को बांध के जाएं, और सारा काम करने के बाद फिर बात लिया करें। आप लोग पहले ले लेती हो, बाल खुले होते हैं आजकल, आपको पता मैं ये चीजें भूल गई हैं। वो फिर खानों में भी बाल, हाँ, गिरते हैं, इसीलिए गिरते हैं खानों में बाल, क्योंकि हम लोग कवर नहीं करते उनको, कैप हो या दुपट्टे के साथ ऐसे कवर किए जाए ना कि जिसकी वजह से ये बाल गिरना जो है ना खानों में ना जाए। मेरी वो एक रिलेटिव है, वो बेचारी कहती है कि मुझे किचन के कामों की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, और बाल कितने कितने दिन, मतलब वाश करने हैं तो तब वहाँ तब भी नहीं कंघी करने का टाइम मिलता, और फिर बालों में बन जाती हैं उलझने। और फिर क्या होता है कि जब हफ्तों आपने कंघी नहीं करनी, और बच्चे भी और ससुराल भी, ये पता है जो कंबाइन में रहते हो तो इतना मसला होता है। हाँ, जॉइंट फैमिली में फिर उनको, हाँ जी, वो कहती है फिर उसके बाद पड़ जाती हैं जनाब क्या जुए। बस जिस चीज की भी हम केयर नहीं ना करेंगे तो वही चीज जो है ना नुकसान में आ जाएगी। ठीक है, और बाल तो हमारे फेस का एक बेहतरीन एक हिस्सा है, और इसके बगैर तो इंसान की जो लाइफ है वो अनकम्प्लीट है। सही कह रही। और अगर हमारे चेहरे पे बाल अच्छे होंगे तो हमारा फेस भी अच्छा लगेगा। सही कह रही। और इस तरह करके हमें इसकी केयर करनी चाहिए, और खास कर ये जो बच्ची है आजकल की, यहाँ लगाना कैचर वगैरह नहीं, ऐसे ही रहने देना, फिर बाद में कर रहे हैं। चलो ठीक हो गया, आपको थैंक यू। आप भी डैंड्रफ वाला यूज कर रही हैं? एंटी डैंड्रफ। एंटी डैंड्रफ, मुझे तो एंटी डैंड्रफ से और ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है। ये जितनी भी हम लोग केयर करते हैं ना, वो उतना ही उसका रिजल्ट बाजू का जो है, ये ब्रीकंग की बीमारी नहीं है कैसे, उस पे ज्यादा नजर आएंगी वाइट वाली पकड़े। हाँ, हाँ।
निकल आई। हाँ रात को मैं सोई थी ना उसके साथ, अमरीश के साथ। बच्चियों के सर में ना निकल आती है। अच्छा बारीक पतले बालों का ना ये फायदा होता है कि इसमें बड़ी जल्दी मिल जाती है। लाइसेंस जो होती है ना, जो घने होते हैं ना, हाँ ये लंबे होते हैं, उनमें जरा मसला मुश्किल हो जाती है। हाँ मेरी तो नानू अभी भी पता क्या करती है, नहा के ना साथ तेल लगा लेती है नहाने के फौरन बाद, फिर डैंड्रफ नहीं होती। और वो अभी भी वो नहीं जो शोकत सोप है उससे धोती है सर। अच्छा नहीं वैसे एक बात है कि अगर नहाते ही हम लोग लगा लें ना ऑयल तो डैंड्रफ होती नहीं है। ये इस तरह इसकी एक मिसाल पता क्या है, वो ये है कि वो इस तरह है कि जैसे अब हम मुंह धोकर आए ना सुबह को, हमने माउथ वॉश किया तो उसमें जो है ना जब हम वो करेंगे ना मुंह पे वैसलीन वगैरह नहीं लगाएंगे तो वो हमारा देखा नहीं मुंह खुश्क हो जाता है। फिर हम जब वो लगाते हैं ग्लिसरीन वगैरह या जो भी हमने लगाना है रिकंग के हाथ में रखे, अच्छा तो वो है ना उसमें फिर ये होता है कि देखा ये इसकी वजह से, मुझे पता था होंगी तो वो फिर इस तरह हुआ कि मुंह खुश्क होता नहीं है हमारा। ऑयली क्रीम वगैरह कोई लगा लेते हैं, इसी तरह बालों का हिसाब। और अभी तक मेरी नानों की एज है 90+ और मेरे जितने लंबे बाल हैं उनके। अच्छा और इसी तरह से मेरी नंदों के बात तो केयर की है ना, वो केयर बड़ा करती हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कि खुले रखने हैं, बूढ़ी भी हो गई है ना, फटाफट बांध के बाल खुले नहाने हैं तो खुले थोड़ी देर रहने हैं, नहीं तो उसके फौरन बाद उन्होंने बांध देने। अच्छा पहले ना हमारे जमाने में भी हमारी वालदेन वालिद जो है वालदा जो है ना जी। वो डालती थी वो धागे की चुट्टियां नहीं होती वो परांदा, परांदा। वो मैंने उससे जो है ना बालों की बहुत ग्रोथ होती है। वो ये है कि शायद वो कसा जाता है और लटकते हैं तो बाल लंबे भी होते हैं, बंद जाते हैं ना बाल, खुले नहीं रहते। मकसद ये कि बाल खुले रहेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे। सही कह रही है। तो परांदा जो है ना वो हमारे दौर में दो चुट्टियां तक अम्मी मेरी करती थी, जब मैं स्कूल जाती थी तो वो दो चुट्टियों में परांदे डालती थी काले रंग के। अब तो परांदा पता कब डाला जाता है, मेहंदी पे बस। अब मेहंदियों की जीनत आ गई है बस। लेकिन जो बात उसमें है ना बालों की ग्रोथ उसमें होती है, केयर होती है। हाँ जी बाल होने ना वाइट वाइट तो नहीं हुए आपके तो नहीं मेरे, पता क्यों मैंने मेहंदी लगाई हुई है। आपके नहीं, आपके ब्राउन है ज्यादा। ये मेहंदी लगाई ना आ गई है। हाँ हाँ आई है। ग्लासेस लगाने तो ग्लासेस लगा लिए, देखने में आगे नहीं आ रही है, नजर आ रही है वाइट पे है ना। हाँ मेरे बाल बहुत घने थे, लंबे कम थे लेकिन घने बहुत थे। लेकिन क्या क्या बस वो केयर ही नहीं, स्कूल जाने से नहीं किया हमने ऑयल लगाना। ऑयल तो मैं छे छे माह नहीं लगाती। ओ तो क्यों नहीं लगाती? वो मैं जिस जब दो तीन दिन हो जाए ना मुझे रात को नींद नहीं आ रही, फिर मुझे याद आता है कि मुझे 6 माह हो गए आज ऑयल लगाए हुए, चलो ऑयल लगा लूं। इतनी देर तो ना रखा करें। मैं कह रही हूँ मैं लाती हूँ कोई 50 रुपीज़ का ऑयल, वो मेरे एक साल निकल जाता है। चलो लगाती ही नहीं हूँ। तो ये जब सिस्टर्स वगैरह की तरफ जाती हैं उनसे लगवा लिया करें? नहीं ये बात नहीं है, मैंने कभी किसी से नहीं लगवाया। क्यों? दिल लगाती हूँ, मुझे दिल करता है कभी कभार। अलकस बस अपने लिए। हाँ सही कह, अलकस आ जाता है कि अच्छा लगा लूँगी लगा लूँगी लगा लूँगी। हमारा तो चलो मसला आ गया ना, हम तो बच्चों वाली हैं तो नहीं, मैं अपने लिए बहुत केयरलेस हूँ। बच्ची के साथ सोई थी मैं रात, तो वो फिर उसमें आ गई जुएं मेरी है। कच्ची हैं पक्की नहीं? हाँ वो कहती होंगी हमने हाला के साथ सोना, मैंने सोना इस तरह ही लड़ रही थी रात। कह रही नहीं आंटी मैंने सोना। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो, तुम बहुत हिलती हो। फिर वो छोटी है ना, फिर उसकी बात मैं मानती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। पढ़ती हैं? दोनों पढ़ते हैं विक्टोरिया में। अच्छा कौन कौन सी क्लासेस में? एक है इस 7th में, पता नहीं 8th में, 7th में और एक 2 में। अच्छा बड़ी क्यूट सी हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी बातें करती हैं। वैसे भी मुझे तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ ये भी कच्ची है समझो। अल्लाह ताला ना आपको बेटी को जल्दी नवाजे। हाँ जी और आपके घर में को मुन्ना शुन्ना रौनक हो जाए। हाँ
पहले तो जमाने में, पहले जमाने में ना औरतें घंटों अपने ऊपर टाइम लगाती थी, बाल लेके बैठ गई दूसरे के, मालिश करनी, तब शायद ना इतनी वो नहीं थी जिंदगी में, वो मसरूफियत नहीं थी। अब तो इकट्ठा होना भी बड़ी दूर की बात है। फोन किस लिए आ गए हैं? फोन पे ही हम लोग बातें करते रहते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया। हाँ। बस फोन पे या गमी पे, खुशी पे भी आपको पता, कभी कोई नाराज खुशी कोई नाराज, हाँ उन्हें भी मनाते रहो। तो ये है कि बस अब तो ऐसा ही हो गया। पहले जमाने में बहुत एक दूसरे को टाइम देते थे, मिलके बैठते थे और सर देखती थी औरतें बकायदा डेली से। हाँ गाँव में अभी भी ये चीज है। हाँ मैं, हम लोग अब ना कुछ है रिलेटिव गांव में हम लोग जाते हैं। अच्छा तो यकीन माने जब जाते हैं ना तो जो उनके हम साए हैं ना वो मिलने आते हैं, मिलने आते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, गिफ्ट देते हैं। और वहाँ अभी भी खलूस हैं। हमारे यहाँ जो देहात है ना, ये लाहौर शहर, लाहौर वगैरह में नहीं है। शहरों में तो मसरूफियत ही बहुत हो गई, या रातों को सोते नहीं, सुबह को उठते नहीं। और खास कर ये कोरोना के दिनों में ना रूटीन इतनी खराब हुई है हमारी सबकी, कि रातों को सोना नहीं है और दिन में उठना नहीं है। अब फिर मेरे ख्याल में कह रहे हैं जी 20 को, सुना आपने? अब काफी इलाके उन्होंने सील भी कर दिए हैं। अब मुझे कल फोन आया जाइना की ना क्लास वालों की मदर का आया था, मुझे कह रही है शादमान कोई एरिया या गुलशन इस तरह करके ना, गुलशन रावी। हाँ मुझे कह रही है वहाँ पे तो उन्होंने बिल्कुल स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। जी जी। तो बच्चों ने वहाँ के, जो बच्चे वहाँ से जो आते हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि हमें आने नहीं दे रहे तो हम क्या करें, यहाँ हमारे लिए कोई हल बताए। हाँ वो उन्होंने लगा दिया ना लॉकडाउन, तो मैंने कहा मेरे तक तो नहीं खबर, मुझे नहीं, नहीं न्यूज़ में बता रहे थे, मैंने भी सुना। जी तो मतलब बालों में जमा हो गई मेरे, ये एक रात में हुई है बस, रात उसके पास सोई हूँ मैं बच्ची की। उसकी मामा को कहिएगा ना कि उसकी देखें, वो देखती हैं बहुत, उनके घर में तो एक से एक चीज है, स्कूल में जाने से हो जाती है उनके। नहीं आजकल तो वैसे भी वो बच्चों ने स्कार्फ वगैरह नहीं लिए, स्कार्फ के अलावा वो उन बच्चों में काफी फासला है, मास्क भी लगाते हैं और वो स्कार्फ भी होते हैं तो, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हो जाती हैं। अब तो बाल उनके ओपन भी नहीं होते, स्कार्फ उनके ऐसे नहीं होते कि जो उनके सर पे ना हो, हर बच्चे के, बच्ची के सर पे स्कार्फ है। एक दूसरे की झूठी कंघी कर देने से भी होता है, ब्रश कर लेने से। हाँ, ये भी रीजन है। जो है ट्रांसफर हो जाती है, मैंने जो, मेरा तो खैर हर चीज मेरे अपने बैग में होती है। अच्छा करती है। तो मैं नहीं इस तरह वो करती यूज किसी का भी, लग रही है ना। हाँ कच्ची तो है लेकिन ये कि ये भी खारिज बहुत करती है। मेरी बेटी के ना छोटे होते बाल बड़े पतले थे, मतलब ना जिस तरह समझ लें आप तरह हो गई, आपसे भी थोड़े लाइट होंगे। कहती थी यार मेरे भी डेंस है बाल और इसके बाबा के भी हैं, इसके पता नहीं किस पे चले गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने जो ही बेबी शैम्पू से दूसरे शैम्पू को चेंज किया, अच्छा वो उसको माशाल्लाह इतना सूट किया कि उसके बाल जो है ना अब काफी ज्यादा, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा है और अब डेंस हो गए बाल काफी ज्यादा। वही मैंने कहा ना कि जो शैम्पूज होते हैं वो भी जो ना बालों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, और लेकिन वो जो हमारे बालों को सूट करे, और वो बहुत देर के बाद समझ में आती है। डाइट भी, डाइट भी, उसमें सैलड ले हम, ऐसी चीजें लें जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, बालों के लिए जो अच्छी है। विटामिन ए है उसमें और विटामिन बी है जो, ये बालों के लिए बहुत अच्छी है हमारे। बस हर हर चीज की केयर होनी चाहिए ना, जिस चीज में भी हम छोड़ देंगे केयरलेस हो जाएंगे, वो हमारी जो है ना वो बस वही चीज डैमेज होने शुरू हो जाती है। सही कह रही है। हर चीज केयर मांगती है ना, और उसके लिए होना चाहिए टाइम, टाइम निकालेंगे तो वो केयर होगी, वरना नहीं, अगर हम केयरलेस हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं। सही कह रही है। अब मैं दो दो तीन तीन दिन पहले सोचती हूँ कि जी मैं कल बालों में तेल लगाऊंगी, कल मैंने ऑयल लगाना है, बड़ा नहीं निकल रहा कोई,
अभी तक तो नहीं नजर में आ रहा, वही तो मुझे फिक्र हो रहा है, वो ना आए, बस वो आ जाए तो फिर बढ़ जाती है जी। अभी तक तो नहीं आ रहा। वो खारिश खा रही थी? हाँ मेरे हो रही थी, मैंने तो सोचा था मैं घर जाके करूंगी कंघी उंगी, है ना, ये चीजें नुकसान दे बालों के लिए, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं करती मेरे बाल में एक भी जुआ आ जाए। बेटे भी देख लेती है आपकी? हाँ लगा दी? नहीं कि नहीं, नहीं नहीं आ गई आप आ गए। वाइट पे ये होता है कि जरा ना प्रोमिनेंट हो जाती है। लगी? चले जी, ये भी निकल जाने से ना ये इससे ये फायदा होगा कि बढ़ेंगी नहीं हम, वरना फिर बढ़ जाती है ना तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाता है। सही है, फिर तो चाहे रात के कोई मुझे किसी भी टाइम। ये ऐसा काम है कि जो आप चाह के बिना खुद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है। मतलब रीकंगी भी कर लें आप, लेकिन फिर भी आपको ये लिखे जो होती है ना, ये से नहीं निकल, लार्वा कहते हैं इनको। हाँ जी, तो कई कहते हैं कि ब्रीकंगी से निकल आती है, तो मुझे मैं वैसे कम ही होता है ऐसे निकल, नहीं निकलती है ना, ये नहीं निकलती, ये हाथों से निकलती है, या फिर ये कि जो बड़ी जू होती है ना अगर वो ना हो ना तो ये फिर झड़ जाती है शैम्पू वगैरह से, इनका ये है। डैंड्रफ नहीं है आपके? डैंड्रफ मेहंदी लगाई थी ना मैंने, उसमें ऑयल डालकर सरसों का, उससे कम होती है डैंड्रफ? नहीं वैसे ही मेहंदी में लगा लेती हूँ मैं, ऑयल डाल लेती हूँ सरसों का थोड़ा सा एक चम्मच। सरसों में उसमें अंडा भी डाल लिया अगर? अंडा भी बड़ा अभी तो नहीं मैंने डाला, लेकिन ज़्यादा सर्दी या डैंड्रफ हो तो मैं डाल लेती हूँ। अंडा दही ये चीज़ें जो है ना बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो उसकी स्मेल से ज़रा होता है वैसे, लेकिन वो मैंने लगवाया गर्मियों में लगवाया, ये दही जो है ना छाछ पकाना क्या है, पकाने का एक तो रोज मसला रहता है, बच्चे कहते हैं जी हमने ये नहीं खाना है, उनके फादर कहते हैं जी हमने वो नहीं खाना है, अब बताओ क्या बनाए इंसान।